करने वाली हूँ एंड आज के इन एक्सरसाइजेस में मैं डंबल का यूज कर रही हूँ। अगर आप हैवी वेट के साथ नहीं कर सकते हैं तो आप डंबल के जगह वाटर बॉटल का भी यूज कर सकते हैं, बट वाटर बॉटल खाली नहीं होनी चाहिए, भरी हुई होनी चाहिए। एंड आज मैं आपको बैक, शोल्डर, आर्म्स एंड चेस्ट के एक्सरसाइजेस बताने वाली हूँ। आपको मेरे इन एक्सरसाइजेस को रेगुलर फॉलो करना है, वन डे पे मिस नहीं करना है। सो अपना टाइम वेस्ट ना करते हैं, इस वीडियो की फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने दोनों हैंड्स में डंबल को होल्ड करना है, देन अपने दोनों लेग्स को ओपन करके अपने दोनों लेग्स के नीचे को बेंड करके डाउन साइड जाना है। फर्स्ट हमें अपने दोनों हैंड्स को स्ट्रेट करके अपने दोनों हैंड्स के एल्बो को बेंड करना है, अपसाइड उठाना है, देन अगेन डाउन करके दोनों हैंड्स को हमें अपसाइड उठा के दोनों हैंड्स के एल्बो को बेंड करना है, देन बैक साइड ले जाके स्ट्रेट करना है, देन अगेन बेंड, देन डाउन, इसको 15 के 4 सेट्स करने हैं। इसी तरीके से भाई फर्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सेम हमें अपने दोनों हैंड्स में डंबल को होल्ड करके अपने दोनों लेग्स को ओपन करना है, देन अपने दोनों हैंड्स के एल्बो को बेंड करके हमें अपने दोनों हैंड्स को अपसाइड उठाना है, देन डाउन, इसको 15 के 4 सेट कर लें। कोई भी एक्सरसाइज आपको फास्ट नहीं करनी, स्लो स्लो करनी, ना ही कोई भी एक्सरसाइज आपको गलत करनी। इसी तरीके से हमारी एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हमें अपने दोनों हैंड्स में डंबल को होल्ड करके दोनों लेग्स को ओपन करना है, देन फर्स्ट हमें अपने दोनों हैंड्स को ओपन करके अपसाइड उठाना है, देन डाउन, अगेन अपसाइड उठाना है, अगेन डाउन, इसको 15 के 4 सेट्स करने हैं। इस एक्सरसाइज में भी हमें अपने चेस्ट को आउटसाइड यानी कि फ्रंट साइड पुश करके रखना है। इसी तरीके से हमारी एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने दोनों हैंड्स में डंबल को होल्ड करना है, दोनों लेग्स को ओपन करके फर्स्ट अपने दोनों हैंड्स को हमें अपसाइड स्ट्रेट करना है, देन डाउन साइड ले जाके हमें अपने दोनों हैंड्स के एल्बो को बेंड करना है, अगेन आप स्ट्रेट करना है, अगेन डाउन, इसको 15 के 4 सेट्स करने हैं। इसी तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सेम हमें अपने दोनों लेग्स को ओपन करके दोनों हैंड्स में हमें डंबल को होल्ड करके रखना है, अपने दोनों हैंड्स के एल्बो को बेंड करके रखना है फर्स्ट, देन अपने दोनों हैंड्स को हमें ओपन करना है। जब हम अपने दोनों हैंड्स को ओपन करेंगे तो हमें अपने चेस्ट को फ्रंट साइड पुश करना है, देन अगेन सेम फ्रंट साइड, अगेन ओपन, इसको 15 के 4 सेट्स कर लें।
कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने दोनों डंबल्स को फ्लोर पर रखना है, दोनों लेग्स की नीक को बेंड करके रखना है, देन हमें पुशअप्स करने हैं, इसको 15 के 4 सेट्स करने हैं। अपने दोनों लेग्स को हमें अपसाइड उठा के रखना है, इसी तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने दोनों हैंड्स में डंबल को होल्ड करके रखना है, देन अपने दोनों हैंड्स को स्ट्रेट करके हमें डाउन यानी कि बैक साइड लेके जाना है, डाउन करना है, देन अप साइड स्ट्रेट करना है, अगेन डाउन, इसको 15 के 4 सेट्स करने हैं। इसी तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने दोनों हैंड्स में डंबल को होल्ड करना है, देन अपने दोनों लेग्स को ओपन करके दोनों लेग्स के नीचे को बेंड करके अपने दोनों हैंड्स को हमें बैक साइड लेके जाना है, देन फ्रंट साइड लेके आना है। इसको 15 के 4 सेट्स करने हैं। इसी तरीके से हमारी एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। गाइस आज जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है, अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर सेंड कर सकते हैं। मैं आपके डाउट्स को अपने आने वाले किसी भी वीडियो में जरूर क्लियर करने की कोशिश करूंगी। आज के लिए इतना ही। अब मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में यानी कि न्यू एक्सरसाइजेस के साथ मिलूंगी। अभी के लिए बाय बाय।